मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 14वां अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ें। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। एक सच्चा साक्षी वो व्यक्ति है जो सत्य पर खड़ा होता है, बेशक उसे कितनी भी कीमत देनी पड़े। पुराने जमानों में जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, एक गवाह या एक साक्षी की बातों को बहुत कीमत था। फैसला सुनाने वक्त एक साक्षी की गवाही पर बहुत भरोसा किया जाता था। बहुत गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण था एक गवाह की बातें। इसी कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने चुने हुए कौम इसराइल को जब अपने ईश्वरीय प्रमाण या व्यवस्था को दे रहा है, उन्हें साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि उनकी बातों में उन्होंने हमेशा सच बोलना है। 10 आज्ञाओं में हम देखते हैं स्पष्ट कहा गया कि कभी भी अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही मत देना। एक साक्षी या गवाह होना एक बहुत भारी जिम्मेवारी है। एक व्यक्ति के बारे में बातें करना सरल है, आसान है। जब हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें ध्यान देना है कि हमारी बातें हमेशा सत्य हो, कभी किसी के बारे में झूठी बातें ना कहें, दूसरे को दुख ना पहुंचाएं। परंतु जब हम एक साक्षी के तौर पर, एक गवाह के तौर पर खड़े होते हैं, उसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं। हमारी एक एक बातें कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बातें फैसले में अहम भाग निभाता है। हमारी गवाही एक व्यक्ति को न्याय दिलाता है, उसी समय दूसरे के सत्य को प्रमाणित करता है। इसलिए परमेश्वर जो सत्य में वास करता है, चाहता है कि उसके लोग भी सत्य में चले। परमेश्वर झूठ से नफरत करता है, क्योंकि वह दुश्मन शैतान का स्वभाव है। वह झूठ का बाप है और उसके झूठ ने मानव जाति के जीवन में सत्यनाश लाया है। इसी कारण परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की प्रजा विश्वास योग्य साक्षी हो, जो सत्य को प्रेम करते हैं और झूठ से दूर रहते हैं। ये उस बात से संबंध रखता है कि किस प्रकार हम अपने आसपास के लोगों के बीच में साक्षी के तौर पर खड़े हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर ने हमें चुना है, पाप से छुड़ाया है, अनंत काल की सजा से बचाया है, हमें एक नया सृष्टि बनाया ताकि हम अपने उद्धारकर्ता का विश्वास योग्य साक्षी बने। हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का वास है ताकि हम मसीह के विश्वास योग्य साक्षी बन सकें। और परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि हम विश्वास योग्य साक्षी होने के कारण हमें कभी झूठ नहीं बोलना। जब हम कहते हैं हम कि मसीह के गवाह हैं, स्वर्ग चाहता है कि हमारी बातों और हमारे कामों में कोई विरोध ना हो, कोई विरोधाभास ना हो। सो आइए आज सुबह के समय हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं सच्चा गवाह हूं? हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया, प्रभु करके स्वीकार किया, उद्धारकर्ता कर हम स्वीकार करते हैं, और हमने जो अनुभव किया उसके विषय में सच्चा गवाह होना है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने अपने पापों से माफी पाई और पाप के गुलामी से छुटकारा पाया। ये उद्धार का गंभीर दान हमने, बहुमूल्य दान हमने अनुभव किया, और ये हमने मसीह यीशु के द्वारा पाया। दुनिया इस दान के लिए तरसती है, भटकती है, वो अपने धर्म पर आसरा करती है, रीति रिवाज पर आसरा करती है, ताकि कैसे ना मोक्ष या उद्धार को प्राप्त करके परमेश्वर से मेल करें। प्रभु यीशु इस संसार में आया और हमारे खातिर ईश्वरीय सजा को अपने ऊपर उठाए, मृत्यु को हमारी जगह पर चखा, ताकि हम अनंत काल के उद्धार को पा सकें। आज के दिन हम बहुत से प्रचारकों को और शिक्षाओं को सुन सकते हैं
जो प्रभु यीशु मसीह को एक चंगा करने वाले, मोजसा, अजीब काम करने वाले, तसल्ली देने वाले की तरह प्रकट करते हैं। और बहुत से लोग प्रभु यीशु के पास आशीष और तसल्ली के लिए आते हैं, लेकिन वो इस सत्य से वंचित हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आया ताकि हम परमेश्वर के अनंत काल के दंड से बच जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नजरों में हमारा प्राण और आत्मा बहुमूल्य है, क्योंकि वो अनंत काल तक रहेगा। कईयों के लिए प्रभु यीशु प्रेम का संदेशवाहक है और वे सोचते हैं कि परमेश्वर केवल प्रेम है, उन्हें केवल यीशु का नाम लेना है और परमेश्वर उनके सारे पापों को माफ कर देगा। वो इस बात से अज्ञात हैं कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है, जो पाप से नफरत करता है और पवित्रता और सत्य में वास करता है। अब हम तो ये सोच बैठेंगे कि जो प्रचारक जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें ना हिसाब देना होगा, हमें क्या लेना। सच है, जो बातें वो कहते सिखाते हैं उनका तो हिसाब उन्हें देना ही है, लेकिन हम तो सच्चे गवाह हैं ना, हमने तो झूठ नहीं बोलना। आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें, क्या मेरा जीवन परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किए काम के विषय में सत्य को प्रकट करता है। क्या हम कह सकते हैं मेरा उद्धार हुआ है? क्या हम अपनी बातों में सच हैं, सत्य हैं? क्या दुनिया को हमारे जीवन में वो फर्क दिखता है? क्या मैं एक नई सृष्टि हूं जो संसार और दुनिया के विचारों से बिल्कुल भिन्न है? क्या मेरा जीवन इस बात का गवाह देता है कि मैं स्वर्गीय पिता का संतान हूं? क्या मेरे काम और क्या मेरे बातें मेरे विश्वास को परमेश्वर के संतान के तौर पर प्रकट करती हैं? अगर नहीं तो स्वर्ग मुझे एक झूठा गवाह के तौर पर गिनेगा जो झूठ बोलता, क्योंकि हमारी बातें हमारे जीवनों से अलग है। ध्यान रखें, अगर हम झूठी गवाही देते हैं हमें हिसाब देना है, क्योंकि जो लोग हमें देखते हैं उन पर उसका प्रभाव होता है। हमें उनके प्राण का हिसाब देना पड़ेगा जब हम प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। सो आइए आज सुबह के समय हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम एक एक को विश्वास योग्य सच्चा साक्षी होने में, गवाह होने में मदद करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने मदद किया और सत्य को हमारे सामने प्रकट किया। प्रभु, इन दिनों में हमारे बुलाहट की गंभीरता को समझकर सच्चे विश्वासियों की साक्षी के तौर पर खड़े होने के लिए आप हमें मदद करें। हमारा जीवन और हमारी बातें आपस में मेल खाएं, जो भी हमें देखे वो आपकी महिमा को देख सके। उसके लिए हमें बल, ज्ञान और समझ आप दे। प्रभु, सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना।